अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो को रिएक्शन देने जा रहे हैं, प्रज्ञा मिश्रा, इनका चैनल का नाम है प्रज्ञा का पन्ना, और उन्हीं उनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग उनका चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो बहुत इबरतनाक है, बहुत दर्द भरी वीडियो है। इस तरह की वीडियो मैंने अभी तक रिएक्शन नहीं दिया है क्योंकि मेरा चैनल न्यूज़ के ताल्लुक से नहीं है, लेकिन ये वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट थी, इतनी ज़रूरी थी, लोगों तक पहुंचाना था, इसलिए मैंने इस वीडियो पर रिएक्शन दिया है। और उम्मीद है, मैं गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जितना हो सके शेयर करें। इसमें देखिए कितने हज़ारों लोगों को बेघर कर दिया गया। अकबरपुर, जो हम सब ने नाम भी सुना है, अकबरपुर का भी काफ़ी टाइम से वहाँ का केस चल रहा है, और उस अकबरपुर अब नहीं रहा, मतलब तबाह बर्बाद कर दिया, अकबरपुर को ख़त्म कर दिया, नामो निशान मिटा दिया अकबरपुर का, वहाँ पे बिल्डर चला गया, लोगों को बेघर कर दिया, पूरा इलाका पूरी बस्ती को मलबे का ढेर बना दिया अकबरपुर को, जो लखनऊ के शहर में है अकबरपुर एक बस्ती है, पूरी बर्बाद कर दिया, करीबन 2200-2300 घर पूरे तबाह बर्बाद कर दिया, नामो निशान मिटा दिया गया। इस वजह से मैं इस वीडियो पर रिएक्शन दे रहा हूँ ताकि जितना हो सके लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, उसको शेयर करें और लोग इस पर कुछ ना कुछ ज़रूर करें, हो सके तो दुआ करें, कुछ नहीं कर सकते सिर्फ दुआ करें। वहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं, इतने बेचारे लोग परेशान हैं वहाँ के कि मतलब देखा नहीं जा रहा है, बस मासूमों की हाय बद्दुआ ही लगेगी। जिसने भी ये काम किया है, वो काम किसने किया हम सब जानते हैं, हमारी गवर्नमेंट ने हज़ारों लोगों को बेघर कर दिया, बर्बाद तबाह कर दिया, बेरोज़गार कर दिया, वहाँ पर सब कुछ तबाह कर दिया, कुछ बचा नहीं समझिए उस बस्ती में। तो उसी के ताल्लुक से ये वीडियो है। वीडियो को गुजारिश है कि आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आइए पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। मेरे अकबर नगर के लोगों, मुझे माफ़ कर देना, मेरा कैमरा और मेरा माइक सरकारी बुलडोज़रों के आगे बौने साबित हो गए। लखनऊ की पत्रकार होने के नाते मैं दिल से चाहती थी कि अकबर नगर गिरने से बच जाए, लेकिन मैं बचा नहीं पाई। इसके लिए मैं आप सबसे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। आपके सामने ये दो मस्जिदें या मदरसे दिखाई दे रहे हैं, और ये वही इमारतें हैं जब पुलिस इस अकबर नगर के भीतर पत्रकारों को घुसने नहीं दे रही थी, तो मैंने गुपचुप तरीके से इन्हीं इमारतों पर चढ़कर फुटेजेस ली थी। दुनिया को दिखाया था कि अकबर नगर केवल मुस्लिमों की बस्ती नहीं है, हिंदू भाइयों के भी घर उजड़ रहे हैं भाई, जहाँ 50 से 60 हज़ार लोग रहते हैं। इस बार ड्रोन उड़ाने में, फुटेजेस लेने में मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे हाथ एक जीती जागती बस्ती को श्मशान में बदलता हुआ नहीं देख पा रहे थे। इस मस्जिद का मदरसे की अकेली खड़ी इमारत को देखकर के आज मन बहुत विचलित है, भीतर से बहुत दुखी हूँ, मन बहुत उदास है, एक एक शब्द बोलने में मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मैं जिस इमारत पर चढ़कर अकबर नगर को कवर कर रही थी, मैंने लोगों को बताया कि अकबर नगर क्या है, पूरी दुनिया को दिखाया, वो इमारत भी अब चंद मिनटों की ही मेहमान है। मैं थोड़ी देर और अकबर नगर में रुकती तो शायद ये मेरी आंखों के सामने ही जमींदोज हो जाती, लेकिन मैं ये देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, मेरे भीतर से वो हिम्मत नहीं आ पा रही थी। ये अकबर नगर है, अकबर नगर क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ से ऊपर से आपको ये दृश्य दिखाना चाहिए कि किस तरह से यहाँ जितने मकान थे, लगभग 2200 से ऊपर मकान थे, और वो सारे आज जो है ईंट और पत्थर के ढेर में ढह चुके हैं, वो पूरी तरीके से डिमोलिश्ड हो चुके हैं। और सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं, सिर्फ जो मस्जिद है, जो दो मस्जिद है, वही सिर्फ बची हुई है, और पूरी तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा अकबर नगर इस समय ध्वस्त हो चुका है, नीचे गिर गया है, सारे मकान सारे दुकान इस समय एकदम मिट्टी के भांति नीचे ज़मीन पर आ गए हैं। और ये वो नाला है जहाँ पर ये कुकरैल नदी जिसे कहा गया है, ये वही नदी है जो आप सीधे तौर पर ये देख पा रहे होंगे। आप ये दो तस्वीर देखिए, ये एक तब की तस्वीर है जब अकबर नगर आबाद हुआ करता था, और ये दूसरी तब की तस्वीर है जब अकबर नगर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, और इस बर्बादी के ऊपर अब सरकार विकास को जन्म देगी। एक बार देखने से लगता है कि ये खाड़ी देशों में से किसी एक देश का युद्ध क्षेत्र है, लेकिन सच ये है कि अकबर नगर अब नहीं रहा, मिट्टी में मिल चुका है, जमींदोज हो चुका है।
कहते हैं कि अब इस जगह पर रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। घर गिरने से पहले लोग कैसे बिलख रहे थे, कैसे रो रहे थे, आप वो देखिए और आज का ध्वस्त अकबर नगर देखिए। आप लोग कितने अपने उनके कितने साल से रह रहे हैं आप लोग? हम लोग कम से कम 40 साल से रह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप लोगों से, क्यों हटा रहे हैं आप लोगों को? रिवर फ्रंट बनाएंगे, रिवर फ्रंट बनाने के लिए आप लोग को बेघर किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद कोई घर दिया जा रहा है? कुछ नहीं, मुआवजा कुछ भी नहीं। नहीं पूछो मुझसे, कुछ नहीं पूछो। टूट रहा घर। क्या बोल रहे हो? घर टूट रहा है, घर गिरा रहे हैं। अब कह रहे हैं सामान निकालो, हम लोग सामान कहाँ लेके जाए, कहाँ लेके सामान चले जाए बताए। पहले शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। दिमाग काम नहीं करा रहे बापो, भाइयों कुछ तो समझो। उनको गरीब और गरीबी से दोनों से नफरत है। हम तो यही कह रहे हैं उनको सबसे ज्यादा नफरत गरीब से है। हम लोग पैसा भी नहीं, हम लोगों के पास सारा पैसा। आप मत रोइए, आपको दिक्कत है? ये जो काला सा घटिया सा बदबूदार सा कुकरेल नाला दिख रहा है आपको, सरकार इसे कुछ दिनों में रिवर फ्रंट बना देगी। अब वास्तव में इसे नाला फ्रंट कहना चाहिए। रिवर फ्रंट बनने के बाद क्या सरकार नाले के इस काले पानी को पानी की शक्ल दे पाएगी? मैं गारंटी देती हूं नहीं कर पाएगी। सरकार लखनऊ की गोमती नदी में गिरते हुए नालों को तो रोक नहीं पा रही है, गोमती नदी नाला बनती जा रही है, उसे नहीं बचा पा रही है। तो ये तो कुकरेल नाला पहले से ही नाला है, इसे कैसे नदी बना पाएंगे आप? अकबर नगर को गिराने को कुछ बहाना चाहिए था, बहाना मिल गया, घर उजड़ गए, सरकार को चैन मिल गया होगा। असल बात यह है दोस्तों कि जिस जमीन पर हजारों लोगों की हाय लगी है, जिस जमीन पर हजारों लोगों के आंसू गिरे हैं, उस जमीन पर कोई वैभव कोई फ्रंट टिकेगा ये बहुत मुश्किल दिखाई देता है। अगर दुआओं में ताकत होती है ना, तो बददुआओं में तो और भी ताकत होती है। ठीक है, अल्लाह पाक सलामत रखे सबको। पूरा मोहल्ला बिछड़ गया है, सब छूट गया, सारे साथी 70-70 साल थे महिला, 35 साल थे तो हम लोग थे, 90 से आए हुए थे, क्या करें। ठीक है, अल्लाह ताला ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं है सर, बस सबके दिल से दुआ ही निकल रही है। ठीक है, आने वाला समय अल्लाह ताला फिर काट देगा, फिर कहीं बनाएंगे। इससे अच्छा है तो हमका सब कहीं लटा के बुलडोजर चला देती, कुछ हम लोगों का बचा नहीं है, सब सब कुछ खत्म कर दी। इतनी मेहनत से हम लोगों ने बनाया, पता है यहाँ पानी नहीं होता था, हम लोग निसार गन लेने जाते थे पानी। गरीबों की बद्दुआओं में कितनी ताकत होती है ना, ये मैंने अपनी आंखों से देखी है। पिछली बार जब मैं अकबर नगर कवर कर रही थी, मैं रिपोर्ट फाइल कर रही थी, तो मुझे एक माता जी मिली, उन्होंने बीजेपी सरकार को बद्दुआ दी थी। रिजल्ट जानते हैं क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि बीजेपी अयोध्या की ही सीट हार गई। यूपी में बीजेपी की बहुत बुरी तरह से हार हुई। आज मैं आपके लिए उन माता जी का बयान अपनी पिछली रिपोर्ट से निकाल करके लाई हूँ, क्योंकि भगवान हो या अल्लाह हो, ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है दोस्तों। मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, लेकिन गरीब का झोपड़ा तोड़ के कोई भगवान नहीं खुश होगा, उसमें भगवान नहीं बैठेंगे। किसी गरीब का झोपड़ा तोड़ के उनको बेघर करके भगवान बैठा लो, वो भगवान नहीं बनाएंगे। श्री राम को अपना घर दे के गरीबों को, छोटे छोटे बच्चों को आश्रयहीन कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है? तो हम लोग का क्या होगा, उसके आगे पीछे कोई है? वो सरकार सरकार नहीं है जो गरीबों को बेघर कर दे, जो बेसहारों का सहारा छीन ले, वो सरकार सरकार नहीं है, नहीं है सरकार। मुझे याद है दोस्तों, जब मैं अकबर नगर कवर कर रही थी तो वो मामला अदालत में था। अकबर नगर के लोग मेरे भीतर, अदालत के भीतर, सरकार के भीतर, भगवान के भीतर, अल्लाह के भीतर कोई करिश्मा कर देने की उम्मीद लगाकर बैठे थे। एक बार उनकी उम्मीद हकीकत में बदली भी, लेकिन वो बहुत देर तक नहीं चली। मुझे बहुत खुशी है कि मैं टूटा हुआ पैर लेकर रिपोर्टिंग करने के लिए आई थी, और मेरे रिपोर्टिंग करते करते इन लोगों को स्टे मिल गया है, मुबारक हो आपको। दोस्तों मैंने एक नहीं कई रिपोर्ट्स अकबर नगर की हैं, अपने चैनल उल्टा चश्मा यूसी और प्रज्ञा के पन्ना पर कई रिपोर्ट्स मैंने फाइल की है, लेकिन मुझे माफ करना दोस्तों, हम हार गए, बुलडोजर जीत गया। सरकार अकबर नगर को गिराकर यहां पर रिवर फ्रंट बनाना चाहती है। अब जानते हैं हमारी जिम्मेदारी क्या है।
अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है कि अकबर नगर पर नजर बनाए रखें और ये देखें कि कुकरेल नाले के पानी को ये कैसे नदी में तब्दील करते हैं। इस काले पानी को साफ करने के लिए ये आखिर क्या करते हैं? अगर कुछ नहीं करते तो बेवकूफ मत बनिएगा, सरकार के जुमलों में मत फंसिएगा, जुमले का जवाब अपनी उंगली से दीजिएगा। मैं आपको इस नाले की अपडेट देती रहूंगी कि ये नदी में बदला कि नहीं बदला। अगर नाला नदी में ना बदले, पानी साफ ना हो, तो तैयार रहिएगा जुमलेबाजी का सफाया करने के लिए, क्योंकि झूठ फरेब और मक्कारी सरकार करे या फिर सगा भाई, होशियार रहिएगा। दोस्तों, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है, धीरज बनाए रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो हमने देखा। वाकई बहुत अफसोस की बात है, मतलब कितना अफसोस की बात है कि पूरी बस्ती को तबाह बर्बाद कर दिया, नामो निशान मिटा दिया। प्रज्ञा मिश्रा जी ने बहुत कोशिश करी अपने चैनल के जरिए से वीडियो को तमाम लोगों को दिखाने के लिए, गवर्नमेंट देखे, सरकार देखे, सब ने देखा, लेकिन उन्होंने अपनी तरह से पूरी कोशिश करी, लेकिन वो बचा नहीं पाई। तो खैर, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को तो ये सोचना चाहिए था ना कि आदमी का घर तोड़ के, जो 2200-2300 घर तोड़े जा रहे हैं, और ये लोग कहाँ जाएंगे? मतलब हज़ारों आदमी को बेघर कर दिए, कहाँ जाएंगे? इनको वहाँ पे अगर कुछ बनाना था तो पहले इनका रहने का इंतज़ाम करना चाहिए कि लोग जाएंगे कहाँ रहने के लिए, कहाँ जाएंगे बेचारे ये गरीब परेशान हाल, अपनी परेशानी लोग किससे कहेंगे? तो ये सरकार को, ये गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचना चाहिए कि पहले इनका रहने का इंतज़ाम करें, फिर इस जगह को तोड़ के कुछ भी बनाए। लेकिन उन्हें घर से बेघर कर दिया, लाचार कर दिया, मजबूर कर दिया, किससे कहें अपने दिल की बात? बस दिल की बात अल्लाह से कहिए, अल्लाह से रुजू हो जाइए और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए कि आपने कोई सी ऐसी गलती की थी, क्या इस तरह से हुआ। देखिए, हमारे उलमा भी यही बताते हैं कि अगर जब मुसलमान कौम कोई गुमराह हो जाएगी तो अल्लाह ताला उस पर ज़ालिम बादशाह बिठाल देगा और उस पर वो ज़ालिम हुकूमत करेगा। तो मुसलमान कौम आजकल गुमराह तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तमाम बुराइयाँ सिर्फ मुसलमानों के अंदर हो गई है। जुआ, शराब, दारूबाजी, झूठ बोलना, मक्कारी करना, सारे बुरे काम मुसलमानों के अंदर हैं। हमारी ख्वातीनों के अंदर फैशन करवा लीजिए आप खाली। अल्लाह को याद करिए, अल्लाह की इताअत करिए, अल्लाह से मांगिए और अल्लाह को राज़ी करने के लिए वो सारे काम करिए, इससे अल्लाह राज़ी होगा। अल्लाह सबसे पहले राज़ी होगा। आप नमाज़ पढ़िए, नमाज़ एक ऐसी चीज़ है जो हर बुराइयों से आपको बचाएगी इंशाअल्लाह। चाहते नमाज़ हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक है नमाज़। तो सबसे पहले नमाज़ का अहतमाम करें, खुद ही पढ़ें, अपने घर वालों को, अपने बच्चों बच्चों को, अपने औरत को, सबको नमाज की दावत दें और अपना रोज़ी रोटी का इंतज़ाम जो भी सब हलाल तरीके से करें, कोशिश करें तमाम बुराइयों से बचें, तमाम बुराइयों से बचें। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी और अल्लाह मदद करने वाला है। अल्लाह अपने बंदों से कभी भी समझ लीजिए दूर नहीं रहता, नाराज़ भी नहीं होता। बस काम ऐसा कर रहा है नहीं तो फिर अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम ना करें बिल्कुल भी। और अकबरपुर के लिए जितना हो सके दुआ करें कि वहाँ बहुत बुरे हालात हो गए, समझ लीजिए सबको बेघर कर दिया। इसी तरह से फिलिस्तीन और गाज़ा के लिए भी हक में दुआ करें, वहाँ भी पूरा शहर को मलबे का ढेर बना दिया है, वहाँ भी हज़ारों लोग बेगुनाह मारे गए हैं, जान गए सबकी हुआ है। तो जितना हो सके दुआ करें, पूरी कौम के लिए दुआ करें, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए दुआ करें, जितना हो सके दुआ करें, अल्लाह ताला सब की परेशानी को दूर करें। आमीन या रब्बुल आलमीन। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा ताकि लोगों को सच्चाई पता चले और लोग सबके हक में दुआ ज़रूर करें। और अपने लाइक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल पर बने रहिएगा। इंशाल्लाह चाहे तो एक से एक वीडियो आप लोगों को ज़रूर रिएक्शन देंगे। तो चलिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।